हेलो फ्रेंड्स इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे एपीआई टेस्टिंग यूजिंग रोबोट फ्रेमवर्क इस वीडियो में मैं हिंदी में पूरी प्रोसेस को समझाऊंगा कि हम एपीआई टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं यूजिंग रोबोट फ्रेमवर्क प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्या हमें एज ए प्री पाइथन इंस्टॉल करनी है फिर हमें पाइचाम इंस्टॉल करना है देन लाइब्रेरीज हमें टू लाइब्रेरीज चाहिए ए टेस्टिंग के लिए तो एक लाइब्रेरी है रोबोट फ्रेमवर्क रिक्वेस्ट एंड अदर वन इज रोबोट फ्रेमवर्क जेसन लाइब्रेरी अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो जैसे कॉपी करो और कमांड प्रॉम के थ्रू हम इंस्टॉल कर पाएंगे बट एज ए प्री रिक्विजिट ऑफ आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए अब इस वीडियो के अंदर हम एक पाइथन प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर हम एक रोबोट टेस्ट केस फाइल बनाएंगे फिर हम उस टेस्ट केस फाइल में अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट केस तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ आई एम जस्ट मूविंग टू पाईचाम पाईचाम पे अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूं एंड इसका मैं नाम रखता हूँ सिंपल ए ऑटोमेशन रोबोट हिंदी यू कैन गिव एनी नेम मैंने हिंदी रखा है ताकि हम सेम प्रोजेक्ट को आगे के वीडियोस में भी यूज करें क्रिएट प्रोजेक्ट न्यू विंडो तो अब एक नई विंडो खुल के आ गई है और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर बन गया जब हम कोई पाइथन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पाई डिफॉल्ट एक फाइल बनाएगा जिसका नाम है मेन डॉट पी ये हमारे काम की नहीं है हम लोग जस्ट रिमूव कर देंगे तो अब हमारे पास पाइथन प्रोजेक्ट है नाउ वी नीड टू क्रिएट अ रोबोट टेस्ट केस फाइल फॉर क्रिएटिंग दैट फाइल आप राइट right क्लिक करो न्यू फाइल बट मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट केस नहीं बनाऊंगा मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करूंगा तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक डायरेक्टरी बनाई एम जस्ट गिविंग द नेम टेस्ट केसेस तो अब मेरे पास एक फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ दैट इज माई टी सी जीरो जीरो वन जिसके अंदर हम टेस्ट केस लिखेंगे एंड इट्स ए गेट रिक्वेस्ट डॉट रोबोट रोबोट टेस्ट केस की फाइल रोबोट फाइल बना रहा हूँ जिसके अंदर हम टेस्ट केस लिखेंगे और मेरा फाइल का नाम है टेस्ट केस टी सी जीरो जीरो वन गेट रिक्वेस्ट आप कुछ भी नाम दे सकते हो एक्सटेंशन डॉट रोबोट होना चाहिए जब भी हम रोबोट फ्रेमवर्क पे काम करते हैं हमें अपनी फाइल को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना है तो हम यूज कर रहे हैं कंट्रोल स्पेस पहला सेक्शन होता है सेटिंग दूसरा वेरेबल्स और तीसरा टेस्ट केस तो अब मैं यहां पर मैंने अपनी फाइल को तीन सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है सेटिंग्स वेरेबल एंड टेस्ट केस यहां पर मैं आपको रोबोट फ्रेमवर्क नहीं समझा रहा मैं मान के चल रहा हूं कि आपको रोबोट फ्रेमवर्क आता है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है यहां पर हम लोग केवल देखेंगे कि रोबोट फ्रेमवर्क के थ्रू एपीआई टेस्टिंग कैसे करेंगे तो यहां पर हमने देखा पाइथन प्रोजेक्ट बनाया फिर रोबोट टेस्ट केस फाइल बनाई फिर अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया एंड नाउ वी आर रेडी टू राइट टेस्ट केस अब टेस्ट केस लिखने के लिए ये हमारे स्टेप्स होंगे मैं टेस्ट केस के अंदर सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा मैं उसे कैप्चर करूंगा उस रिस्पॉन्स में से मैं स्टेटस कोड को फैच करूंगा और फिर उसे वैलिडेट करूंगा ओके मूविंग टू द टेस्ट केस, सबसे पहले हमें लाइब्रेरी यूज करनी है जो हमने इंस्टॉल की थी हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी उसका नाम था रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यहां पर नोटिस करना इट्स रिक्वेस्ट एस रिक्वेस्ट सो अब मुझे टेस्ट केस बनाना है तो मैं सिंपली टेस्ट केस पे आता हूँ टी सी जीरो जीरो वन गेट रिक्वेस्ट ये मेरे टेस्ट केस का नाम है फेच रिस्पॉन्स वैलिडेट स्टेटस कोड आप कुछ भी नाम दे सकते हो मैंने थोड़ा मीनिंगफुल नाम दिया है अब मैं आपको अपनी एपीआई दिखाऊंगा जो मैं टेस्ट करने वाला हूँ तो हम लोगों ने कुछ ए डेवलप की हुई हैं जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे है तो वेबसाइट का नाम है द टेस्टिंग वर्ल्ड ए अगर आप इसके ए सेक्शन में आओगे तो यहाँ आपको बहुत सारी ए मिल जाएंगी ये सारी ए टेस्टिंग के लिए बनाई गई हैं तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इन ए पे भी टेस्टिंग कर सकते हो यहाँ पर मेरी एक सेक्शन है स्टूडेंट डिटेल्स जिसकी मैं एक ए अभी यूज़ करूंगा अभी आप यहीं से स्टार्ट करना क्योंकि अलग अलग ए में हम लोगों ने कुछ में ऑथेंटिकेशन लगवाया हुआ है कुछ में कुछ और चेंजेस हैं पॉइंट इज अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो इससे करना यहां पर हमारे पास एक एपीआई है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं तो मैं सिंपली यहां पर जाता हूं अब इस एपीआई का एक बेस यू है जो कि ये है और रिलेटिव यू है जो कि ये जो ये है तो सबसे पहले मैंने बेस यू को फेच किया और यहां पर एक वेरेबल बनाया लाइक ए पी आई बेस एंड पॉइंट यू कैन गिव एनी नेम टू दिस वेरेबल तो मैंने एक सिंपल वेरेबल बनाया है और ये उसकी वैल्यू है अब मैं आता हूं टेस्ट केस के अंदर अब हम यहां पर टेस्ट केस लिखना शुरू करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि रोबोट फ्रेमवर्क में हर काम को करने के लिए कीवर्ड है तो यहां पर एपीआई टेस्टिंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे कीवर्ड्स बनाए हुए हैं हमें वो यूज करने हैं तो मैं अब इसकी बॉडी लिखना या टेस्ट केस लिखना शुरू करता हूं पहला जो कीवर्ड हम लोग कॉल करेंगे दैट इज क्रिएट सेशन अगर आप नोटिस करोगे तो पहला कीवर्ड है क्रिएट सेशन हम एक सेशन क्रिएट करेंगे एपीआई टेस्टिंग के लिए हमें हमेशा जब भी एपीआई टेस्टिंग करनी है सबसे पहले एक सेशन ही क्रिएट करना है सेशन में हम लोग पहले पास करते हैं कि आपको सेशन का नाम क्या देना है तो मैंने इसका नाम दिया एपीआई टेस्टिंग एपीआई अंडरस्कोर टेस्टिंग सेशन क्रिएट करते हुए हमें अपना बेस यूआरएल देना होता है तो मैंने सिंपली बेस यूआरएल के वेरिएबल को कॉपी किया एंड जस्ट पास इट ओवर हियर तो अगर जब हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो सेशन क्रिएट हो चुका होगा ओके okay, तो हम क्या करते हैं कि मैं इसे पहले आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं कि इतना कोड चल रहा है या नहीं चल रहा तो मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूं अपने फोल्डर पे ओपन इन टर्मिनल और एग्जीक्यूट करने के लिए रोबोट और जो भी आपका फाइल का नेम है तो फाइल का नेम था टी सी जीरो जीरो वन गेट रिक्वेस्ट डॉट रोबोट एंटर तो अभी ये लाइन चल गई है अभी एक लाइन का कोड था जो चल गया है जिसने सेशन क्रिएट कर दिया होगा इट शोज पास ओके अब मैं आता हूँ मुझे गेट रिक्वेस्ट बनानी है जिसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है गेट रिक्वेस्ट जब आप एक की यूज़ करो तो आप इनके नाम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो या स्मॉल से कर सकते हो दोनों ही करेक्ट है दोनों चलेंगे जब हमें जो गेट रिक्वेस्ट बनानी है मुझे गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी है उसके लिए सबसे पहले हमें सेशन का नाम चाहिए तो दैट इज़ अ सेशन नेम मैंने लिखा यहां पर और सेकंड आपको रिलेटिव यूआरएल बताना है तो अब मैं वापस आता हूं अपनी एपीआई पे बेस यूआरएल तो हम यूज़ कर चुके हैं दैट इज़ माय रिलेटिव यूआरएल कॉपी एंड पेस्टेड यहां मुझे एक आईडी सेंड करनी है कि, कि किस स्टूडेंट की डिटेल्स आपको लेके आनी है तो मैंने एक आईडी जो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है मैं उसे यूज कर रहा हूँ इट इज़ वन फोर टाइम ज़ीरो वन अब मैं फिर इस टेस्ट केस को चलाता हूँ लेट्स चेक तो अभी भी ये पास हो गया तो मतलब हमने एक गेट रिक्वेस्ट सेंड कर दिए इस यू के लिए इस ए के लिए बट जब ये गेट रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में हमें एक रिस्पॉन्स आएगा अभी मैंने वो रिस्पॉन्स कैप्चर नहीं किया अभी केवल हमने एक रिक्वेस्ट सेंड की है वो सक्सेसफुली सेंड हो गई बस उतना हमने कवर किया है अब मुझे जो रिस्पॉन्स आएगा वो कैप्चर करना है वो स्टोर करना है तो जो रिस्पॉन्स के स्टोर करने के लिए मैं एक सिंपल वेरेबल बना रहा हूं गेट रिस्पॉन्स इक्वल टू तो हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट रेज की है इसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स आएगा वो मैं सिंपली इस वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा अब नेक्स्ट लाइन में मैं आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाता हूं तो मैंने जो भी रिस्पॉन्स आया है वो कैप्चर कर लिया और जस्ट प्रिंटेड तो प्रिंट करने के लिए लॉक टू कंसोल अगेन इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं हेयर यू विल नोटिस इट इज पास्ट एंड इट शोज रिस्पॉन्स टू हंड्रेड ये एक्चुअल रिस्पॉन्स कंटेंट नहीं दिखा रहा वो कैसे देखना है आई विल शो यू बट उससे पहले अगर आप यहां पर नोटिस करोगे एक वार्निंग आ रही है कि आप अभी जो यूज कर रहे हो गेट रिक्वेस्ट एक कीवर्ड यूज किया है जो डेप्रीकेट हो गया है डेप्रीकेट मतलब उसकी जगह उन्होंने एक नया कीवर्ड दे दिया है तो आपको यह नया वाला यूज करना चाहिए मैं इवन अभी हम पुराना यूज़ करेंगे वो भी चलेगा बट बिकॉज नया की आ गया है तो हम लोग नया यूज़ करते हैं विच इज गेट ऑन सेशन तो अब हमने एक नया कीवर्ड यूज़ किया दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं अब आप देखोगे अगेन इट विल एग्जीक्यूट कुछ फेलियर नहीं होगा कुछ फेलियर नहीं हुआ कोई वार्निंग भी नहीं आई और रिस्पॉन्स अभी हमें प्रिंट नहीं हुआ तो अब रिस्पॉन्स हमने कैप्चर कर लिया बट अभी उसका कंटेंट हमें प्रिंट कराना है या उसका रिस्पॉन्स स्टेटस कोड हमें चाहिए रिस्पॉन्स कोड चाहिए तो अब स्टेटस कोड लाने के लिए जो ये रिस्पॉन्स है इसके आगे हम सिंपल लिख देंगे स्टेटस कोड तो ये हमारा रिस्पॉन्स वेरेबल था डॉट स्टेटस कोड मतलब उसमें से केवल स्टेटस कोड लाओ और डिस्प्ले करा दो इन द सेम वे अगर मैं इसे चलाता हूँ रन नोटिस अब आ गया टू हंड्रेड मतलब ये रिस्पॉन्स कोड कैप्चर हो गया फैच कर लिया हमने हमने फैच किया और डिस्प्ले करा दिया इन द सेम वे अगर आप रिस्पॉन्स जो कंटेंट है वो देखना चाहते हो तो मैंने सिम्पली इसे कॉपी किया और यहां पर स्टेटस कोड की जगह मैंने बोला कि जो रिस्पॉन्स है उसका कंटेंट मुझे डिस्प्ले करो रनिंग इट अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमें पहले रिस्पॉन्स कोड आया और फिर उसका कंटेंट मतलब रिस्पॉन्स का जो कंटेंट है बॉडी है वो ये है अभी हम लोगों ने कवर किया एक रिक्वेस्ट हमने सेंड किया रिस्पॉन्स को कैप्चर किया उसमें से स्टेटस कोड फेच किया वैलिडेट अब हमें इस स्टेटस कोड को वैलिडेट करना है वैलिडेट मतलब एक्चुअल को एक्सपेक्टेड से कंपेयर करना है तो सिंपली यहां पर मैं यूज़ करता हूं की वर्ड शुड बी इक्वल मैंने कहा ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है जो हमें रिस्पॉन्स से मिली है स्टेटस कोड की और ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है अब शुड बी इक्वल मतलब ये रिस्पॉन्स कोड जो एक्चुअल आया है और जो एक्सपेक्टेड है दोनों को कंपेयर करेगा अभी ऐसा लग रहा है कि पास हो जाना चाहिए बट नहीं इट विल फेल ओके लेट मी शो यू क्यों वो फेल होगा अगर आप देखो तो फेल हो गया क्यों जब ये वैलिडेट कर रहा है तो यहां पर एक वैल्यू स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है पहली वैल्यू इंटीजर है पहली वैल्यू क्या है जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है जब भी हम रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड उठाते हैं इट विल ऑलवेज बी इंटीजर बट जब भी हम कोई वैल्यू रोबोट फ्रेमवर्क में लिखते हैं तो वो ऑलवेज स्ट्रिंग होती है तो आप एक इंटीजर को स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हो वो वैल्यू सेम थी बट फिर भी वो फेल हो गया तो अगर मुझे इसे कंपेयर करना है तो या तो दोनों वैल्यू इंटीजर हो या दोनों वैल्यू स्ट्रिंग हो तो अभी जो हमने रिस्पॉन्स कोड फैच फैच किया है जो एक इंटीजर है मैं एक स्ट्रिंग में लेके जाता हूं इसे कैसे उसके लिए मैंने एक नया वेरिएबल बनाया रिस्पॉन्स कोड इज इक्वल टू हमारे पास कीवर्ड है कन्वर्ट टू स्ट्रिंग और मैंने बोला ये जो वैल्यू हमारी आई है ये जो वैल्यू हमारी है इसे कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में और यहां सेव कर दो अब मैं इसे कंपेयर करूंगा तो यू विल नोटिस कि अब वो पास हो जाएगा क्योंकि अब दोनों वैल्यू स्ट्रिंग है रोबोट फ्रेमवर्क में हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है हमें डबल कोट्स में नहीं देना होता तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लिखते हैं जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो स्ट्रिंग ही होगी तो मैं इसे रन करता हूं दिस टाइम इट विल पास क्योंकि अब दोनों वैल्यू स्ट्रिंग है अगर आप देखोगे इस बार ये पास हो गया तो अब हमारा एक टेस्ट केस रेडी है जिसमें हमने एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट सेंड किया रिस्पॉन्स को कैप्चर किया और उसके उसके स्टेटस कोड को वैलिडेट किया ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है अभी ये बहुत सिंपल टेस्ट केस है क्योंकि जब हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं अभी हमारे पास टेस्ट केस आएंगे जिसमें हमें बॉडी के कंटेंट को वैलिडेट करना है या हम पे बहुत सारे टेस्ट केस आएंगे जिसमें हमें हेडर सेंड करने हैं पैरामीटर सेंड करने हैं ऑथेंटिकेशन लगानी है तो उन सब को भी हम देखेंगे बट दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट केस जिसमें हमने सिंपली कवर किया कि कैसे हम एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे सेंड करेंगे कैसे उसके रिस्पॉन्स को कैप्चर करेंगे एंड उसके बाद हम एक बेसिक वैलिडेशन कर रहे हैं स्टेटस कोड पर अब बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं आप यहां पर दो टेस्ट केस बनाइए आप सिंपली सेम एपीआई यूज़ कर सकते हो जो मैंने किए या अगर आपके पास कोई एपीआई है तो आप उसे यूज़ कीजिए पहले टेस्ट केस में आपको यही करना है स्टेटस को 200 आना चाहिए आप किसी दूसरे स्टूडेंट की आईडी सेंड करो मतलब इसके आगे की एक आईडी सेंड कर देना और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये स्टूडेंट ऑलरेडी सिस्टम में है तो रिस्पॉन्स को टू आना चाहिए फिर आपको यहां पर दूसरे टेस्ट केस में आपको एक इनकरेक्ट वैल्यू सेंड करनी है और चेक करना है कि जो स्टेटस कोड है वो 200 नहीं होना चाहिए तो यहां पर शुड नॉट बी इक्वल तो हमारे पास एक डिफरेंट कीवर्ड आएगा शुड नॉट बी इक्वल तो आपको वो की वर्ड यूज करना है जब आप ये टेस्ट केस कर लो उसे एग्जीक्यूट करो अगर वो सक्सेसफुली चल जाता है तो आप इसे कॉपी करो और कमेंट सेक्शन में मेरे को सेंड करो कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट मैसेज करके मुझे सेंड करो इट्स इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है एक बार आप ये कर लोगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट केस भी बना पाएंगे इस सेशन के लिए केवल इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो